हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी और आज की कहानी है बूढ़ी डायन। किसी गांव के बाहर हिडिंबी नाम की डायन अपनी बेटी सिरसा के साथ रहती थी। गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि हिडिंबी एक डायन है। हिडिंबी रोज अपने भोजन की तलाश में जाती और कुछ जंगली जानवरों को खाने के लिए ले आती भी। एक दिन उसे कुछ स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा हुई। बहुत दिनों से किसी बच्चे का कोमल मांस नहीं चखा, क्यों ना आज मैं बच्चे का ही शिकार करूं। वह भोजन की तलाश में गांव में घूमने लगी। शाम होने को थी पर गांव में चहल पहल होने के कारण उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह उदास हो गई। आज तो कोई शिकार मिला ही नहीं, अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे। हिडिंबी वापस घर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उसने झट से बच्चे को अपने बोरे में डाल लिया और वहां से चली गई। घर पहुंचकर हिडिंबी ने अपनी बेटी सिरसा से कहा, अरे देखो आज मैं कितना स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ, तुम इसे पकाओ और फिर हम दोनों इसे मिलकर खाएंगे। अरे वाह माँ, ये तो बहुत कोमल बच्चा है, इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, अब हम दोनों रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे। मैं हर शाम गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाऊंगी। हिडिंबी रोज शाम को गांव में घूमने जाती और एक बच्चा उठा लाती। गांव से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे, जिसके कारण सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने बच्चों को घर वापस ले जाते थे। बहुत दिन बीत गए पर हिडिंबी को कोई शिकार नहीं मिल रहा था। लगता है गांव के सभी लोग सावधान हो गए हैं। इतने दिन बीत गए पर मुझे एक भी बच्चा खाने को नहीं मिला। अब तो जंगली जानवरों को खाकर ही अपनी भूख मिटानी होगी। हिडिंबी जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी उसे आम के पेड़ पर बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। अरे वाह, कितना मोटा और तंदुरुस्त बच्चा है, इसे तो मैं आज अपने भोजन में खाऊंगी। हिडिंबी पेड़ के पास पहुंचकर बहुत प्यार से बच्चे को बोलती है, अरे बेटा ये आम तो देखने में बहुत मीठे लगते हैं, क्या तुम मुझे थोड़े से आम खाने के लिए दोगे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। बच्चा बहुत शैतान था। हाँ जरूर, मैं आपको थोड़े नहीं बहुत सारे आम ले जाने दूंगा। क्या सचमुच, तो आओ नीचे आकर मुझे थोड़े आम दे दो। अगर आपको आम खाने हैं तो आप पेड़ पर चढ़ जाइए और जितना जी चाहे उतने आम खाइए। अरे बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो, भला मैं पेड़ पर कैसे चढ़ सकती हूँ, मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तो ठीक है, फिर आप भूखी ही घर चले जाइए, मैं तो आपको कोई आम नहीं देने वाला। ये बच्चा तो बहुत शैतान है, इसे पकड़ना तो मुश्किल काम है। हिडिंबी को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। लगता है मैं भूखी ही मर जाऊंगी, अब तो मेरे शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची। ये सब देखकर बच्चे को डायन पर दया आ जाती है। अरे अम्मा रोती क्यों हूँ, मैं अभी कुछ आम तोड़कर नीचे फेंकता हूँ, आप उन्हें उठाकर घर ले जाना। नहीं नहीं, अगर तुम आम नीचे फेंकोगे तो वे गंदे हो जाएंगे, तुम ऐसा करो कुछ आम तोड़कर नीचे ले आओ, हम दोनों मिलकर उन्हें खाएंगे। ठीक है अम्मा, मैं अभी आम तोड़कर नीचे लाता हूँ। बच्चा जैसे ही आम तोड़कर नीचे आता है, बूढ़ी डायन उसे जल्दी से अपने बोरे में डाल लेती है। गांव में रहने वाला दिनकर लक्कड़हारा ये सब देख लेता है और डायन का पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद हिडिंबी को प्यास लगती है। क्यों ना इस बोरे को झाड़ियों में छुपाकर थोड़ा पानी पी लिया जाए। डायन बोरे को झाड़ियों में रखकर
पानी पीने चली जाती है। तभी दिनकर बोरे में से बच्चे को निकाल लेता है और उसमें झाड़ियाँ, पत्थर और कंकड़ भर देता है। दिनकर गांव पहुंचकर सबको हिडिंबी के बारे में बताता है। उधर हिडिंबी भी बोरे के साथ अपने घर पहुंचकर सिरसा को बोरा देते हुए बोलती है, ये लो बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। क्या आज हमें फिर से जंगली जानवर का मांस ही खाना होगा? अरे तुम बोरा खोल के तो देखो, इतना स्वादिष्ट भोजन तुमने पहले कभी नहीं चखा होगा। सिरसा बोरे को खोल कर देखती है। अरे ये क्या, आज से हम ये पत्थर और घास खाएंगे क्या? ये तुम क्या बोल रही हो, इसमें तो मैंने एक मोटा और तंदुरुस्त बच्चा रखा था, फिर ये झाड़ियाँ और पत्थर कहाँ से आ गए? कहीं वो बच्चा निकलकर भाग तो नहीं गया? मुझे भी यही लगता है, शायद जब मैं पानी पीने के लिए गई थी उसी समय वो बच्चा वहाँ से भाग गया होगा। मैं उसे अभी पकड़ कर लाती हूँ। हिडिंबी बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर गांव के लोग हिडिंबी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हिडिंबी गांव में आती है उसे वही बच्चा नजर आता है। अच्छा तो ये बच्चा यहाँ है, इसे तो मैं आज मार ही डालूंगी। डायन जैसे ही बच्चे के पास पहुँचती है वह जाल में फंस जाती है जो गांव वालों ने उसे पकड़ने के लिए बिछाया था। अरे ये क्या कर रहे हो, खोलो मुझे। तुम्हें बच्चे खाने का बहुत शौक है ना, आज हम तुम्हें पका कर खाएंगे। ऐसा मत करो, मैंने कोई बच्चा नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम बच्चे खाने वाली एक डायन हो, और अब हम तुम्हें जलाकर खत्म कर देंगे। गांव वाले हिडिंबी को जला देते हैं। जलते हुए हिडिंबी चिल्लाती है, तुमने मुझे जला तो दिया पर शायद तुम जानते नहीं कि डायन को जलाकर नहीं मारा जा सकता। मेरी बेटी सिरसा को आने दो, वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी, तुम सब मरोगे। अच्छा तो तुम्हारी एक बेटी भी है, फिर तो वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी। बहुत समय बीत जाने पर जब हिडिंबी वापस घर नहीं पहुंचती तो सिरसा उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वह हिडिंबी को ढूंढते हुए गांव में जा पहुंचती है। जैसे ही वह अपनी माँ के पास पहुंचती है गांव वाले उसे भी जाल में फंसा लेते हैं। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और दोनों डायनों को मारने का तरीका सोचने लगते हैं। तभी वहां एक साधु आते हैं। क्या हुआ, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? दिनकर साधु को सारी बात बताता है। साधु सभी गांव वालों को एक मटके में से मिट्टी निकाल कर देता है। ये मिट्टी इन दोनों पर फेंक दो और साथ में हनुमान चालीसा का जाप करो, ये दोनों इससे भस्म हो जाएंगी। सभी गांव वाले हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं और मिट्टी उन दोनों पर फेंक देते हैं। देखते ही देखते डायने भस्म हो जाती हैं। इस तरह गांव के लोगों को बच्चे खाने वाली डायन से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।